हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लॉक पर। करंट अफेयर की इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम लेकर आए हैं 28 मई से 9 जून का करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड द न्यू वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल। हाल ही में किस संगठन ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा DRDO ने। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। हाल ही में इसके नए एडिशन MK1S का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया है। ये किसी भी मौसम में 18 किलोमीटर तक ऊपर जाकर 25 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। आगे चलते हैं। हु ऑन द फॉर्मूला वन मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2019। फॉर्मूला वन मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मर्सिडीज AMG पेट्रानोस मोटर स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पेमा खांडू। 29 मई को राज्यपाल BD शर्मा ने इनको शपथ दिलाई है। आंध्र प्रदेश में BJP ने सरकार बनाई है। हमारी लोकसभा चुनाव की जो 2019 वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के CM भी एक बार देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से तो पेमा खांडू जी को सिलेक्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश से जगमोहन रेड्डी जी हैं, सिक्किम से प्रेम सिंह तमंग हैं और ओडिशा से नवीन पटनायक जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्कॉट मॉरिसन को। इनके साथ उप प्रधानमंत्री माइकल मैक्रोम ने भी शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इवो कार्लोच बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द मैच, विच कंट्री इज ही रिलेटेड टू? हाल ही में मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, वो किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोशिया से। इवो कार्लोविच सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्पेन के एफ लोपेज को हराकर ये इतिहास रचा है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वेयरिंग इन सेरेमनी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किस देशों को आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म एक बार मैं आपको बता दूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आप सबको पता है कि 30 मई 2019 को मोदी जी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस समारोह में बिम्स्टेक देशों के साथ साथ किर्गिज गणराज्य के प्रेसिडेंट और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं जो हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? हाल ही में नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा मुहम्मदु बुहारी। ये दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 मई को। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू तथा धूम्रपान से होने वाले सभी स्वास्थ्य खतरों तथा परेशानियों से अवगत कराते हुए संपूर्ण विश्व को तंबाकू से मुक्त करना है। WHO द्वारा 1987 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार ने इस दिवस पर ई सिगरेट को भी बैन कर दिया और इसके लिए WHO ने इनको अवार्ड भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा करमबीर सिंह। इन्होंने एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लिया है। सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द एयरपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, और ये इंदौर में है। याद रखिएगा, देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट और ये इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज द इनिशिएटिव ऑफ द विच ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस भारतीय संगठन की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा RBI की। RBI ने 3 से 7 जून 2019 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया है। इस वर्ष की थीम है किसान और वे किस प्रकार
औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान देश के किसानों को वित्तीय साक्षरता सहायता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट स्पिनर टू पुट द फर्स्ट ओवर इन वन डे वर्ल्ड कप, एक दिवसीय विश्व कप में पहला ओवर डालने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा इमरान ताहिर। ये दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज हैं। इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध पहले मैच में ये ओवर डाला है। वर्ल्ड कप खेलने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, एक दिवसीय विश्व कप में पहला ओवर डालने वाले पहले स्पिनर इमरान ताहिर जी हैं। आगे देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू फ्लाई हॉक जेट, हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहना सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह ने ये उपलब्धि वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा में एयरफोर्स स्टेशन पर हासिल की है। इन्होंने 500 घंटे तक इंटीग्रेटेड फ्री उड़ान भरी थी। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द यंगेस्ट एमपी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा चंद्राणी मुर्मू। ये 25 वर्षीय बीजू जनता दल की सदस्य हैं, जिन्होंने ओडिशा के क्योंझर से चुनाव जीता है। इन्होंने दो बार लगातार भाजपा सांसद जो जीतते आ रहे हैं अनंत नायक को वहाँ से हराया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम था, जो 16वीं लोकसभा में हरियाणा के हिसार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अजीत डोभाल जी को। ये दोबारा इस पद पर नियुक्त हुए हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। 1968 के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1988 में इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिनको ये मेडल मिला था। आगे बढ़ते हैं। विच फुटबॉल टीम हैज़ नेम्ड एज द चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी, किस फुटबॉल टीम ने चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी 2019 को अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लिवरपूल ने टोटनहम हॉटस्पार को हराकर ये खिताब जीता। आपको बता दें कि लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून को। ये दिन वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एनिमल्स लीगल पर्सन, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में जानवरों को कानूनी व्यक्ति घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। दरअसल आपको बता दें कि ये तब हुआ जब यूपी से 29 गायों को निर्दयी तरीके से पैक करके लाया जा रहा था, तब इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई। तो जस्टिस राजीव शर्मा ने ये फैसला लिया और इनको कानूनी व्यक्ति घोषित कर दिया और ये भी कहा कि खराब मौसम में वाहन खींचने का कार्य नहीं करवाया जा सकता। जानवर पर लादे जाने वाले भार की क्षमता भी निश्चित की गई। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। हालांकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अब फिलहाल हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने सभी पशुओं को लीगल पर्सन घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, लीगल पर्सन घोषित करने वाला पहला उच्च न्यायालय है हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट। आगे चलते हैं। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मैक्सिको, किस भारतीय को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। भारत की पूर्व राष्ट्रपति को ऑर्डर ऑफ द एग्जैक्ट ईगल सम्मान मिला है। उन्हें ये सम्मान भारत में मैक्सिको की एम्बेसडर मेलबा प्रिया ने पुणे में प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एल सेल्वाडोर का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइब बुकेले। इन्होंने सांचेज सेरेन का स्थान लिया है। आपको बता दें कि एल सेल्वाडोर मिडल अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। आगे बढ़ते हैं। आपकी बेटी प्लान इज रिलेटेड टू विच स्टेट, आपकी बेटी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से। इस योजना के तहत जो लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके माता पिता या फिर दोनों की मौत हो चुकी है, उन्हें राज्य फर्स्ट से 8th क्लास तक 2100 रुपये और 9th से 12th क्लास तक 2500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव महर्षि को। ये वर्तमान में भारत के कैग हैं और इनका कार्यकाल WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 2020 से 2023 तक यानी कि 4 साल के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 जून को। ये 2018 में
शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य परिवहन को सरल, किफायती, भरोसेमंद और स्वच्छ एवं पर्यावरणीय रूप से फिट बनाना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज चूजन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मृत्युंजय महापात्रा को। ये चक्रवात चेतावनी के विशेषज्ञ हैं। मौसम विज्ञान विभाग से पहले ये DRDO में भी काम कर चुके हैं। ये 1 अगस्त 2019 से अपना कार्यभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। इस बार की थीम है बीट एयर पोल्यूशन और इस बार की मेज़बानी चाइना कर रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की शुरुआत 1974 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आशीष रे। इस बुक में 1975 से 2015 तक के वर्ल्ड कप का विवरण है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड आर्कटिक रेल सर्विस, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक रेल सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा रशिया ने। आर्कटिक क्षेत्र के पर्यटन के लिए ये रेल सेवा शुरू की गई है और इसका उद्घाटन करने वाले दिन 91 लोगों ने इसमें सफ़र किया था। इस रेल का नाम जोरेन गोल्ड रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस धीरूभाई नरन भाई पटेल। इन्होंने राजेंद्र मेनन का स्थान लिया है और इनको शपथ दिलाई है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने। आगे बढ़ते हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप इज बींग ऑर्गेनाइज बाई विच कंट्री, फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस द्वारा। ये 7 जून 2019 से शुरू होकर 7 जुलाई 2019 तक चलेगा। आपको बता दें कि फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार जी को। आपको बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और फिलहाल इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।